आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे भारत में राजनीति सुलग गई। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के 370 को वापस लाने के फैसले का समर्थन कर दिया। फिर क्या था, बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के बयान का विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से ना तो अब तक 370 की बहाली पर कोई बयान ही सामने आया है और ना ही कांग्रेस ने अब तक पाकिस्तान के बयान पर ही कोई प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के पत्रकार हामिद मीर ने जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा कि क्या जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के मामले में पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है, तो इस पर बोलते हुए ख्वाजा आसिफ जो कि वहां के रक्षा मंत्री है, उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल मेरा मानना है कि 370 और 35A की वापसी फिर से मुमकिन है। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कश्मीर में मजबूत पकड़ है। कश्मीर घाटी के लोग इस मुद्दे पर काफी प्रेरित हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होगा कि वो सत्ता में आए और 370 को फिर से लागू करें। अगर 370 बहाल होता है तो मुझे लगता है कि कश्मीरी लोगों के जख्म भर जाएंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उमर ने क्या कहा, सुनिए। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगा दिया और 370 की वापसी को नामुमकिन बताया है। गृह मंत्री अमित शाह अपने ट्वीट में लिखते हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। बता दें कि इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कश्मीर में फिर से 370 को लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस ने खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है और जब जब कांग्रेस से इस मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो पार्टी के नेता इसका जवाब देने से बचते हुए नजर आते हैं। खैर, इस मुद्दे पर बाकी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.